20 जनवरी को छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुलनाथ जी ने उमरानाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक की। बैठक में उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला एवं छिंदवाड़ा जिले के विकास में बाधा उत्पन्न करने का जिम्मेदार ठहराया एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सीख दी कि भाजपा के लोगों के मुंह चलाने की जो प्रवृत्ति है उसका जवाब कांग्रेस के लोगों को भी उन्हीं की भाषा में देना होगा। सांसद नकुलनाथ के साथ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, सौसर विधायक विजय चौरे, पांडोरना विधायक नीलेश उइके, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकृष्ण माटे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सौसर के विधायक विजय चौधरी जी, हमारे पांडोरना के विधायक नीलेश उइके जी, हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रभारी हमारे जिले के नेहा सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लकी चंद पवार जी, रामकृष्ण माटे जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कपाले जी, हमारे एकमात्र राज्य मंत्री गुरचरण खरे जी, राशिद भाई, अरुण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। मैं आज आपके बीच नेता बनकर नहीं, एक बेटा और एक भाई बनकर आया। बड़े दिनों से मेरी इच्छा थी, मेरी मंशा थी कि मैं आपसे रूबरू हूं, आपको जानूं पहचानूं। और जब मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि मुझे इस प्रकार की बैठक करनी है तो उन्होंने कहा ऐसी बैठक संभव नहीं हो पाएगी। आप तो न्यूज में देखते ही होंगे। मैंने इन्हें क्या कहा, मैंने कहा मुझे धारा 144 से कोई डर नहीं, मुझे कोरोना से कोई डर नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे परिवार के सदस्यों से मिलने से। साथियों, मैं जिले भर में दौरा कर रहा हूं और ऐसे बैठकें ले रहा हूं और हर ब्लॉक में मैंने कहा और मैं दोहराना भी चाहता हूं कि हम कांग्रेस के जो लोग हैं हम पूरी ताकत लगा देते हैं, खून पसीना बहा देते हैं, लेकिन हमारी एक कमी है, हमें मुंह चलाना नहीं आता। हम जनता के बीच अपनी उपलब्धियां नहीं रख पाते। दूसरी तरफ आप भाजपा को देखिए, हर बात पर झूठ, हर बात पर उनका काम तो सिर्फ। सिंगोड़ी में आज बैठक ली थी कार्यकर्ताओं की, सौसर पांडोरना की भी बैठक हो चुकी है और कल मैंने चांदचौरी की ली थी। बड़ी खुशी हुई इन सदस्यों के बीच में आकर, इनसे जान पहचान हुई और मैं और नया जोश इनमें देखने को मिल रहा है। R9 भारत से रशीद खान, छिंदवाड़ा।